सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का बटन दबाकर रोज की ताजा खबरों की मजा लें। बरगढ़ न्यूज एक्सप्रेस, खबर की तह तक जाने की जीत। उत्तर प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के दो सत्रों में प्रांतीय उपाध्यक्ष रहे, हिंदी पत्रिका झलक के संपादक हैं एवं शिक्षा विकास ट्रस्ट के दो सत्र चेयरमैन रहे। इन्होंने प्रांतीय अध्यक्ष भाई किशोर अग्रवाल के रूप में एक बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष उन्होंने समाज को दिया है, सम्मेलन को दिया है और वे उनकी परंपरा उनकी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए अति सटीकता से काम करेंगे, इसलिए उनको और उनके टीम को बहुत बहुत अभिनंदन एवं प्रणाम बधाई। पूछा गया इसका अर्थ मतलब क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होगा मेरे जीवन के ऊपर, तो एक पंडित को पता चला कि इनको क्या इसका अर्थ क्या है, लेकिन बोलने में डरे हो। उन्होंने कहा महाराज आप राज्य भर से विद्वानों को बुलाइए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो सबसे बड़े विद्वानों को बुलाया गया उन्हें उसका तात्पर्य पूछा गया कि होता रहे और ये समाज के हित में नए मान बढ़ करके हमारा मान बढ़ाने के आ रखे हैं। अब मैं उनका सम्मान किए भाई दीपक रेखानी और सुधा को अखिल भारतीय महिला समिति के बहनों ने भी बहुत सहयोग दिया मेरे को, अखिल भारतीय हमारे युवा मंच के, तो मैं सोचता हूँ जाने मेरे कितने भाई और बहन गिनती नहीं करते होगा। सम्मान हमारा पहला कर्तव्य होता है, बहनों जो है अपने साथ सस्ता जोड़ेगा नहीं, इतना आगे बढ़ेगा कि फिर आपको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं आप लोगों का ज्यादा समय लेते हुए हमारे किसी को सुनाया है अभी आधा घंटे के बाद मैं वर्तमान हो जाऊंगा। टीम में आया क्या जीवन होती है भैया पकड़िएगा, लेकिन जो दो लाइन है बहुत अच्छा लाइन है, ना सब पुकार के जियो, बोलिए बोलिए पुकार के जियो, तो हम लोग सब कुछ सब लोग चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कुछ करना नहीं चाहता, और जो भी जिस क्षेत्र में है जिसको भी जो समझ में आया है उसको वो आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज दुनिया में जहां भी इंसान है वो है वर्चस्व, और दुनिया में जितनी भी लड़ाई है वर्चस्व की लड़ाई है। आज अगर मुस्लिम क्रिश्चियंस पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं और बड़े बड़े घमासान युद्ध हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे और हिंदुस्तान के इतिहास में भी हुए हैं, तो सब कुछ वर्चस्व के लिए हुआ है, अपना राज्य कायम करने के लिए हुआ है। इंसान की एक प्रकृति है वर्चस्व में रहना, और क्योंकि इंसान और जानवर का फर्क यही होता है, जानवर की भी प्रजनन क्षमता होती है, खाता है पीता है जीता है जन्म लेता है और जीवन यापन उनका होता है और मौत भी आती है। इंसान के पास उसके अलावा कुछ ही चीजें हैं, उनकी सोचने की क्षमता, एनालिटिकल कैपेसिटी जो है, और वर्चस्व गौरव उनका ईगो, और उसके लिए हमारी सारी लड़ाई है, और ये सारा संगठन सारा सम्मेलन और सारा कुछ हम लोग का है, ये हमारे वर्चस्व और गौरव के लिए है। हमारा मान सम्मान और गौरव हमारे समाज के एक एक व्यक्ति के का स्वाभिमान सम्मान इसकी रक्षा ही सामाजिक उत्तरदायित्व तो है, और जिसके लिए हम सब एकजुट है। हम सब अपने आप में बहुत समर्थ हैं, 1921 हर व्यक्ति में सामर्थ्य है, किसी में कुछ किसी में कुछ, बोलते हैं दुनिया में हर जड़ी बूटी में हर शब्द में क्षमता होती है, हर व्यक्ति में पावर होता है, लेकिन उसको एकजुट हम इसीलिए करते हैं कि जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से हम बिलोंग करते हैं,
जिस देश से हम बिलोंग करते हैं उसको हम एक गौरव के साथ सर झुकाकर उसमें हम रहना चाहते हैं। उसी प्रकार मैं अपने समाज की मारवाड़ी समाज की बात करता हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर मारवाड़ी सम्मेलन का बरगढ़ की शाखा का शपथ विधि समारोह है, मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। इसमें सबसे बड़ी जरूरतें ज्ञान की और बात की नहीं है। ज्ञान आजकल चारों तरफ भरा हुआ है, ज्ञान का कोई अभाव नहीं है। मोटा मोटी सभी को समझ में आता है, एक जमाना था जबकि ज्ञान से हम दूर रहते थे, नॉलेज से दूर रहते थे। हम बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि महापुरुषों के पास जाते थे, वो ज्ञान की बातें करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम उनके अनुयायी बनते, हम उनके शिष्य बनते और हमको मानसिक शांति मिलती। अभी वो जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान चारों तरफ भरा हुआ है। सबसे बड़ा बाबा है व्हाट्सएप बाबा, गूगल बाबा। तो उन्हीं के पहले तो गुरु पूर्णिमा में कोई मेरे को बोला, भैया सवेरे सवेरे उठ में व्हाट्सएप बाबा और गूगल बाबा को प्रणाम कर दिया। गुरु पूर्णिमा में उनसे बड़ा गुरु कौन है आज के दिन हमारे। आज हमें कार्य करने की जरूरत है, और कार्य करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है संगठित होना। मैं आप लोग के सामने इसके पहले कि मारवाड़ी सम्मेलन और उसकी और हमारी जो गतिविधियां हैं, जो हम कर रहे हैं या जो हमारी सोच आपके सामने रखूं, मैं सबसे पहली बात यही करना चाहूंगा कि हम लोग बहुत घटकों में विभक्त होते जा रहे हैं। मारवाड़ी देवेश जी, मारवाड़ी वो लोग हैं जो कि सैकड़ों सालों से जो प्रवासी लोग हैं, जो मालवा राजस्थान, वर्तमान के राजस्थान हरियाणा मालवा जो इलाके हैं वहां से आके पूरे भारत में पूरे विश्व में बसे, और जिस समय वो लोग बसे हैं उस समय राजस्थान नहीं था, उस समय हरियाणा नहीं था। ये हरियाणा राजस्थान की कहानी को 150 साल